हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की क्लास में सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द ट्रायंगल और कुछ भी नहीं, और आगे क्लासेस का और डिटेल्स में चलता रहेगा। तो अगर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको जानना हो ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल क्या आपका सबसे छोटा पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन। अब आप बोलेंगे व्हाट इज़ द पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व। क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व को बोलते हैं आप पॉलीगन। ये क्या, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन के द्वारा बना हुआ। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है, उसके द्वारा बना हुआ क्लोज कर्व। कर्व तो है लेकिन कैसा है, क्लोज है, उसे आप बोलेंगे पॉलीगन। तो ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। इसमें क्या होता है, तीन साइड, ये आपका साइड, ये क्या होगा, दिस इज योर, दिस इज ट्रायंगल साइड, और ये होता आपका ये साइड और ये साइड। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीन साइड होता है और तीन, बोलो तीन क्या होता है, तीन एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल हो गया, तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ तक में थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल। और अगर हम बात करें ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल को टू टाइप्स में बांटा गया। एक बांटा गया अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड ट्राइंगल को थ्री पार्ट में बांटा गया। कौन कौन पार्ट है, पहला का नाम है स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेलस ट्राइंगल, और मार्कर अच्छा वाला क्या हुआ, एक मिनट रुक जाए। आवाज़ कर, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, तीसरा आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल, पहला स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलस ट्राइंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेन क्या होता, वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड क्या अलग अलग हो, यानी कोई भी साइड आपस में मैच नहीं करे, इक्वल नहीं हो। आइसोसेलस क्या होता, वैसा ट्राइंगल जिसका कोई दो साइड आपस में इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इसमें आपस में इक्वल होता है। इसमें कोई दो एंगल आपस में इक्वल होता है, इसमें ये और ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सामने इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्राइंगल तीन तरह। फिर भी पहला हम लिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आप समझते हैं व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको जानना है एक्यूट एंगल क्या होता है। वैसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उसे बोलते हम एक्यूट एंगल। तो मतलब इसका जो होगा तीनों साइड जो होगा, तीनों एंगल एक्यूट होगा। वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंड तीनों उसका जो होगा एंगल होगा 90 से कम होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल क्या होगा इसका, 90 होगा। कोई एक एंगल 90 होगा आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में होगा कोई एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, यानी 90 से ज़्यादा हो, 120 हो जाए या 125 हो जाए, कोई सा दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल दिए, ट्राइंगल है क्या, और इसमें पूरे अच्छा बिंदास तरीका से पढ़ने के लिए आप देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास। आप इंस्टाग्राम हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक एंड और टेलीग्राम। जय हिंद।